लपेटते रहो विद हनी बनी। ओ, आ, ओ, क्या हुआ हनी? मैं सड़क क्रॉस कर रहा था तभी सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। मैंने बचने की कोशिश की फिर भी ट्रक वाले ने मेरे पैर पे पहिया चढ़ा दिया। ओ, ये तो काफी गहरा घाव है, 10-15 टांके तो लगेंगे। लगा दो डॉक्टर साहब, अब क्या कर सकते हैं? ये लो, हो गया, अब तुम खतरे से बाहर हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। अरे क्यों? क्योंकि उस ट्रक के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। अरे वाह, बड़े भाई ये चॉकलेट मुझे भी टेस्ट करवाओ ना। ये लो। बस एक ही? हाँ, बाकी सबका टेस्ट भी ऐसा ही है। लपेटते रहो विद हनी बनी। आज तो दिन भर टैक्सी में घूमकर मजा आ गया। ये टैक्सी बहुत फास्ट जा रही है, थोड़ा संभाल के भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे गाड़ी की स्पीड का नहीं, इसके मीटर की स्पीड का डर लग रहा है, इतना तेज भाग रहा है। मैडम गुस्सा करेंगी। और तेज भगाओ, और तेज। छोटे भाई, टैक्सी से उतरने के बाद मुझे आइसक्रीम खानी है। ओ, फिर से खर्चे की बात। अरे बाप रे, टैक्सी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं, लगता है ब्रेक फेल हो गया है। ओ नो, अब ये इतना ही फास्ट चलेगी, रुकेगी नहीं। तो फिर मेरी आइसक्रीम? अरे तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे? ड्राइवर भाई साहब, आप जल्दी से गाड़ी रोकने की कोशिश करो। नहीं, उससे पहले आप अपना मीटर बंद करो। टैक्सी कैसे रोकनी है ये बाद में देखते हैं। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। लपेटते रहो विद हनी बनी। गर्मी में बर्फ पिघलती है, तुम्हारा बर्थडे है तो भाई पार्टी तो बनती है। ठोको ताली। थैंक यू सर। और ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे किटी, ये हम तीनों की तरफ से। हनी, तुम भी मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाए हो? हाँ, वो सामने खड़ी लाल गाड़ी दिख रही है। ओह, हाँ, दिख रही है। बस उसी रंग की लिपस्टिक लाया हूँ। लपेटते रहो विद हनी बनी। हनी ये क्या, तू आते ही सोफे पर सो गया? पोपट, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। अरे कहाँ कहाँ गया था, बता तो क्या क्या किया? सोने दे पोपट, आराम करने के बाद बताता हूँ। ओए, तू इतना थका हुआ क्यों है? ट्रेन में ही था रात भर, अच्छी सीट मिली, ऐसा तूने ही बताया था, कोई शक? कोई शक नहीं। तो फिर ट्रेन में रात भर नींद नहीं आई? हाँ, रात भर नींद नहीं आई। क्यों, सीट तो मिली थी ना, अच्छे से सो जाता, आराम करता। मुझे ऊपर की सीट मिली थी, गर्मी बहुत थी। अरे तो सीट एक्सचेंज कर लेता। किससे करता?
नीचे वाले से। नीचे की सीट पर कोई आया ही नहीं था। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम। डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे भाई साहब, 1 किलो भिंडी और 2 किलो टमाटर देना। तो अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, सब्जियों को होश आ गया हो तो 1 किलो भिंडी और 2 किलो टमाटर दे दो। वन टू थ्री। ओए पुपट, 3 + 3 = 8, बताओ कैसे? 3 + 3 = 8। पता नहीं कैसे। अरे गलती से। लपेटते रहो विद हनी बनी। 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7। अब हनी तुम बताओ, 70 + 5 का क्या टोटल है? क्या सर, आसान सवालों का जवाब आपने दे दिया और मुश्किल सवाल मुझसे पूछ रहे हो? ओए हनी, वो तेरा दोस्त आया था ना बॉबी, उसका क्या हुआ? एक दुकान खोली थी पर अब जेल में है। जेल में? आयश, वहाँ क्या कर रहा है? अरे उसने दुकान हथौड़े से खोली थी ना। स्विमिंग सीखने का आइडिया बनी ने दिया और किटी को स्विमिंग सिखाने का क्रेडिट सनी ले जाएगा, समझे क्या? वो सनी हमेशा मौके का फायदा उठाता है। ये मौका कौन है? हमेशा लोग मौके का फायदा क्यों उठा लेते हैं? लपेटते रहो विद हनी बनी। हिंदी में भाईचारा शब्द का बहुत महत्व है, तो इस शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ हनी। मैंने दूध वाले से पूछा कि दूध इतना महंगा क्यों है, तो उसने कहा भाई चारा बहुत महंगा हो गया है। अच्छा ये बताओ कि क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? सर क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम। डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। लपेटते रहो विद हनी बनी। तो क्लास आज मैं हिस्ट्री के कुछ सवाल पूछूंगा। बनी पहले तुम बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया बनी, बैठ जाओ। अगला सवाल हनी के लिए। हनी बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? अठारह में गांधी जी 3 साल के हो गए थे। मैं भी बैठ जाऊं? बड़े भाई
तेरे छाते में होल क्यों है? अरे छोटे भाई, अगर बारिश रुक गई तो पता कैसे चलेगा? लपेटते रहो विद हनी बनी। ये लीजिए आपका रेडियो वापस, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बहुत बढ़िया रेडियो बेचा था आपको। ये यहाँ देखो, लेबल पर लिखा है मेड इन जापान, पर रेडियो ऑन करो तो रेडियो से आवाज आती है, ये ऑल इंडिया रेडियो है। हनी सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुमने बनी से 100 रुपए मांगे, तो टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? सर 100 रुपए होंगे। वो कैसे? सर क्योंकि बनी मुझे 100 रुपए कभी नहीं देगा। ले चलो इसे थाने, जूते चुराता है। सर हम तो हमेशा पुलिस की मदद करते हैं चोर पकड़वाने में, फिर हम चोरी क्यों करेंगे सर? पर चोर कोई और है सर, और हम उसे पकड़वा सकते हैं। कैसे? जिसे मैं नहीं पकड़ सकता उसे तुम कैसे पकड़वाओगे? पन्नी पकड़ लेगा, इसके पास दिमाग है सर।